तो गाइस बहुत बड़ा पॉपट हो गया, मैं ड्रोन उड़ा रहा था, एकदम से बैटरी पता नहीं एकदम से ख़त्म हो गई उसकी और पता नहीं कहाँ चला गया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज फिर से पीयूष ने उठा दिया सुबह सुबह, लेकिन आज ये ऑनलाइन क्लास ले रहा है, आज ये गेम नहीं खेल रहा, सबसे बढ़िया बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आँखों जलन कैसे? आँख ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तो मम्मी पापा तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ, पीयूष की क्लास भी कंप्लीट हो गई है। गर्मी में ना एक चीज़ मस्त लगती है, टी शर्ट डालते हो अपना, एक टी शर्ट निकालो, टी शर्ट इतना खुला खुला मस्त लगता है, टी शर्ट मेरे को बहुत पसंद है। तो गाइस अभी कैसी नैसा, अभी हमारा प्लान बन रहा है जाने का पहाड़ तक ऊपर, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, तो पूरी फैमिली को लेके चलते हैं पहाड़ पे। चलो बहुत टाइम हो गया, मम्मी को लेके नहीं गए, आपको पहाड़ की ठंडी ठंडी हवा खिला खिलाते हैं। चलो चाची रेडी हो जाओ, कुनाली रेडी हो जाओ, देखो ओरियो क्या कर रहे हैं, ओरियो देखो, ये दोनों खेलते रहते हैं मस्त, दोनों छोटे छोटे कैसे खेल रहे हैं मस्त। कुनाली आपको पता है ओरियो को आपके साथ में अच्छा लगता है, अब आपको काटता नहीं है, वो देखो खेलता है बस आपके साथ। क्या कर रहे हो वो, देखो क्या कर रहे हो, आपको ओरियो से डर नहीं लगता? तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, मम्मी बना रही है दाल चावल, तो हम दाल चावल पैक करके ले जाएंगे और वहीं पहाड़ पे जंगल में सब बैठ के पूरी फैमिली साथ में खाएंगे। अभी घर पे नहीं खाएंगे हम खाना, मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, तो वहीं जंगल में खाएंगे पहाड़ पे ठंडे ठंडे मौसम में साथ में पिकनिक, मतलब बेसिकली पिकनिक फैमिली के साथ में फर्स्ट टाइम करेंगे। तो हाँ मम्मी बना रही है यहाँ पे चावल, तो इसमें बन रहे हैं चावल और ये है दाल, तो ये पैक करेंगे बस। तो गाइस एक बजने वाले हैं, सभी के सभी काफी लेट कर रहे हैं, पता नहीं अब कब तक निकलेंगे यार, फिर हम लेट हो जाएंगे ना, अंधेरा भी हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। मम्मी पापा साहिल पीयूष सारे सारे चलो। तो फाइनली सभी रेडी हो गए, ड्रोन भी रख लिया, आज के व्लॉग में ड्रोन फुटेज भी दिखाऊंगा आपको। आई थिंक साहिल या पीयूष में से एक जना नहीं आ रहा है, बिकॉज एक दिन को घर पे आना पड़ेगा ना, तो देखते हैं तो साहिल रहेगा या पीयूष घर में रहेगा, क्योंकि हम ओरियो को ले सकते हैं, बंदर बहुत सारे हैं ना। अब यार गाड़ी तक तो आ गया, गाड़ी की चाबी नहीं ले गया। चाची कुकर लेके चल रही है, क्या कुकर में क्या है? चावल। चावल तो साहिल आ रहा है, पीयूष नहीं आ रहा है। गाइज मेरा कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ जाना पड़ जाए किसी इवेंट में कहाँ, तो हाँ अभी टाइम है फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, फैमिली को भी घुमा देता हूँ थोड़ा पहाड़ों में, तो चलो चलते हैं। गाइज बता रही इतना लेट कर रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे सबके सब। अबे आ जाओ यार आ जाओ। कुनाली किसका पर्स है? चले पापा जी बैठेंगे आगे। एसी किस गाड़ी का खराब हुआ? इनोवा थार, फॉर्च्यूनर किसका? इनोवा का खराब हो गया। इनोवा का? आप खिड़की खुली छोड़ दो ना, खिड़की हाँ। उससे खराब हो जाता है, खिड़की खुली मत छोड़ा करो ठीक है? हाँ, वो ठीक हो गया? नहीं होता ठीक, वो ठीक करवाना पड़ेगा। उसे ठीक करवाई मत। क्यों? वो खिड़की अच्छी लगती है ना खुल के। तो गाइस एक दिक्कत हो गई, इनोवा का ना एसी खराब हो चुका है, बिकॉज एसी चलाते हैं खिड़की खोल देते हैं, तो उसका एसी का कंप्रेसर फूक गया है। कुनाली कह रहे सारी गाड़ियों का एसी खराब कर दो, वाह उल्टी बात बोलेगा। तो मम्मी बड़मी आप कहाँ जाना चाहते हो? हम जाना नहीं चाहते, हम जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हो बताओ? देखो आगे कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक पहाड़ों। सात ताल का रास्ता लग रहा है मेरे को, सात ताल का रास्ता लग रहा है। एक जगह पे जहाँ से पूरा हल्द्वानी दिखता है, तो मम्मी पापा को दिखाता हूँ, पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं हम और काफी प्यारा रास्ता है, काफी मस्त मजा आ रहा है। उल्टी तो नहीं आ रही ना आपको? मेरे पेट घूम गया यार। है? पेट घूम रहा है मेरा। पेट घूम गया, वहाँ जाना है अपने को वहाँ। मम्मी जी डर रही है, मम्मी कह रही मैं नहीं आती मैं थक जाऊंगी यार, धुंधला दिख रहा है। मम्मी की साड़ी में अटक गया, मम्मी की साड़ी। तो मम्मी जी देखो ये पूरा हल्द्वानी है हमारा, ये जो बीच में नदी है ना, ये गोला नदी है और वो अपना घर उधर है, लास्ट में अपना घर उधर। साफ नहीं दिख रहा है ना अभी, धुंध हो रही है, लोगों ने गंदगी कर रखी है, देखो पूरे फेंक रखे हैं, इधर भी फेंक रखे भाई। जो भी यहाँ आते हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी कूड़ा ना फैलाए। भाई मैं तो कह कह के थक गया, मैंने तो इतनी वीडियो में बोला, इतना बार बोला है, लोग लेके भी तो आते हैं, आप लेके भी तो आते हो उसको, उसको वापस ले जाओ, लेके आके खा पी के यहीं फेंक देंगे। चलो 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 चलो। तो अभी गाइस हम काफी टॉप पे आ चुके हैं, चलो अब हम चलते जा रहे हैं और ऊपर। तभी गाइस पहुंच गए हम बिल्कुल टॉप पे, गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, और यहाँ पे ना थोड़ा खुला खुला, तो यहाँ पे सेफ भी है और वहाँ पे हट भी बना हुआ है, तो वहीं पे बैठ के खाएंगे मस्त दाल चावल लेके आए थे घर से। तो गाइस यहीं मस्त बैठ के दाल चावल खाएंगे इस हट के नीचे। तभी चाची और मैं जा रहे हैं कुकर उकर लेने के लिए। ये लो भाई। अरे क्या हुआ, इधर क्यों बैठ गए? यहाँ अच्छा है घास में, कितना मस्त। वहाँ हट में नहीं बैठना? नहीं मम्मी पापा यहाँ बैठ गए, नीचे अच्छी जगह है, चलो फिर यहीं पे खाते हैं। तो गाइस हम कुकर थाली वाली सब लेके आए, चम्मच वम्मच सब। तो गाइस मैं तो कह रहा था कि वहाँ हट के अंदर बैठ जाते, लेकिन मम्मी पापा तो यहाँ बैठ गए मस्त, तो चलो यहीं बैठते हैं, तो काफी मस्त हुआ यहाँ पे, तो चलो खाते हैं मस्त। बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने तो भाई। कुनाली छोटी सी प्लेट लेके बैठ गए यहाँ।
तो गाइस अपना दाल चावल तो आ गया मस्त। वैसे तो गाइस हम डिस्पोजल ला सकते थे लेकिन वो प्लास्टिक के होते हैं ना तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए हम अपनी थाली लेके आए हैं, इनको धो लेंगे घर जाके। मतलब बात ये नहीं है कि हम दाल चावल खा रहे हैं, बात ये कि हम कहाँ पे खा रहे हैं, फैमिली के साथ में खा रहे हैं और इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे आके, और ये खुले से ग्राउंड में फॉर्च्यूनर हमारी वहाँ खड़ी है, तो हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। अजीब तो नहीं लग रहा ना, ये सही जुगाड़ है, धोने की जरूरत ही नहीं है भाई, साफ हो रही है सारी, अपने चाट लेना भाई सारे। यहाँ पे क्या हरकतें कर रहे हैं, दाल चावल तो खा लिया, अब फिलहाल ड्रोन उड़ाते हैं। तो हम बैठे थे इस पेड़ के नीचे यहाँ पे, और पीछे देखो कितना मस्त व्यू है ना, तो चलो यहाँ पे छाया आ रही थी इसलिए यहीं पे खा लिया हमने। सही पेट भर गया, चलो बढ़िया, खाली हो गया कुकर, खाली हो गया। I fell in love with the colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. Hello. Hello. मैं कह रहा हूँ मैंने ड्रोन उड़ाया, उसकी बैटरी खत्म हो गई, वो पता नहीं कहाँ लैंड हो गया। कहाँ पर? पहाड़ पे ही हुआ है कहीं पे। तो गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया, मैं ड्रोन उड़ा रहा था एकदम से बैटरी पता नहीं एकदम से खत्म हो गई उसकी, और पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ लैंड हो गया, बिकॉज पता ही नहीं है कहाँ था वो, मैं तो अपने फ़ोन में देख रहा था एकदम से कहीं पे लैंड हो गया, और पहाड़ पे तो ढूंढ भी नहीं सकते यार। मेरे को तो लग रहा है क्रैश हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पेड़ हैं खेत हैं। तो गाइस पिछले आधे घंटे से हम ढूंढ रहे हैं ड्रोन को, अभी तक नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा वहीं पर वेट कर रहे हैं गाड़ी के पास। वैसे लोकेशन तो दिखा रहा है जहाँ पे मतलब लास्ट टाइम था वो ड्रोन, मम्मी पापा ने खतरनाक डांट लगाई है। गाइज इस तरह से मेरा पहली बार हुआ है, मैं इतना ड्रोन उड़ाया मैंने, हम इतना ट्रैवल किया लेकिन पहली बार ऐसा हुआ यार कि बैटरी ख़त्म हो गई और अपने आप चला गया। भगवान करे वो खेत में लैंड कराओ, खेत में कुछ नहीं हुआ होगा उसको। भाई किधर जा रहे हो? मेरे को लगा कोई फ़ायदा नहीं होगा ढूंढने का, बिकॉज यार छोटा सा ड्रोन तो है, इतने बड़े पहाड़ में कहाँ ढूंढेंगे उसको, हमको पता भी नहीं किस डायरेक्शन में गया वो, क्योंकि काफ़ी ऊपर था वो, अराउंड 300-400 मीटर तो ऊपर था, 700 मीटर दूर था, अराउंड 1 किलोमीटर दूर था भाई, 1 किलोमीटर दूर कहाँ, और पता भी नहीं हमको, या तो हमको पता हो डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है, हमको पता ही नहीं कौन सी डायरेक्शन में है। सामने वाले पहाड़ पे तो नहीं है कहीं, वहाँ पे वहाँ हो सकता है। तो गाइस ये देखो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे है, अभी हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जाना है हमको, शायद उस वाले पहाड़ पे है, वहाँ पे लैंड करा उस पहाड़ पे कहीं भाई, उन पेड़ के बीच में ना कराओ बस, वो रोड साइड पे उधर है भाई, इतनी दूर। तो गाइस जो सामने वाला पहाड़ है ना, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे वहाँ पे है, तो चलो गाइस चलते हैं, होपफुली मिल जाए। तो यहाँ से जाना है हमको वहाँ, बहुत दूर है गाइस वो। रुको यार मैं भी आ रहा हूँ, रुको, रास्ता भी खतरनाक ही है भाई, इतने दूर जा रहे हैं, अगर नहीं मिला या फिर टूटा हुआ मिला। जा भाई रुक जा, पहले ड्रोन मिलने से फिर खेलो मेरे साथ, रुको। ये बता नहीं किस गांव में पहुंच गए हम, एक काम करते हैं गांव वाले से पूछते हैं, तो ये रास्ता मिला हमको जाने का, देखते हैं आज हमको ड्रोन मिलता है या नहीं मिलता। मिल गया, वो मिल गया गाइस फाइनली। अरे फाइनली, थैंक यू भैया, कुछ हुआ तो नहीं इसको? ना ना कुछ नहीं। कहाँ पे उतरा था ये? आगे उतरा है। अच्छा खेत में था, वहाँ से दूर से आया है, 1 किलोमीटर दूर से। भाई बिल्कुल ठीक है यार, है ना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे ए, पंकज, पंकज तो थैंक यू भाई, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि टूट गया होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ने उठा लिया था। तो फाइनली गाइस ड्रोन मिल चुका है और बिल्कुल सही सलामत है, एक खेत में लैंड हो गया था, गाँव वालों ने रख लिया था तो गाँव वालों ने दे दिया, देख लो गांव वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपने पास रख लिया था, तो कहते ये रहा तुम्हारा ड्रोन, और मुझे जानते भी थे वो, हम इतनी दूर से आए हैं पता है ड्रोन लेने के लिए। भाई मेरी तो जान अटक गई थी सच्ची बता रहा हूँ गाइस, इतना डर लगा ना मुझे गाइस, लेकिन जो ये गांव है ना ये बहुत प्यारा है, जहाँ पे हमारा ड्रोन क्रैश हुआ ना बहुत प्यारा है। ये देखो गाइस कितना प्यारा गाँव है, कितनी प्यारी जगह है, और हम जा रहे हैं वापस ऊपर। ये देखो यहाँ पे घर कैसे हैं, जाके पहले तो पानी पीऊंगा मैं, बिकॉज मैंने खाना खा के पानी भी नहीं पिया था यार, ढूंढते चले तो गए, वापस नहीं जाया यार अब। चलो भाई गिर ना जाऊं मैं, इसमें वीडियो बना सकते हैं हम ऊपर से, वीडियो कैमरा इसमें लगा है, अच्छा इसमें रिमोट से उड़ता है, रिमोट से ये आपको उड़ा भी देगा ऊपर। नहीं नहीं मेरे को कहाँ उड़ाएगा, उड़ा देगा, बहुत दम है इसमें। अरे कहाँ दम यार, क्या बात कर दी, क्या बताइए यार तुमने यार, भैया हम भी जानते हैं भैया तुम। साहिल कह रहे हैं अंकल जी को आपको ही उड़ा देगा वो, फाइनली ड्रोन मिल गया। मम्मी पापा तो डांटने लग गए थे मुझे जैसे ही क्रैश हुआ ना, फाइनली टेंशन हो गई थी यार बेटा, मैंने घूमने आए क्या फायदा, प्यास लग, भाई प्यास लग रही, पानी पीता हूँ पहले। तो बर्तन वर्तन कुकर वूकर बोतल वोटल सब हमने रख दिया, ड्रोन वोन सब रख दिया, देख लो हम कुछ भी गंदगी नहीं फैला रहे, सब सामान साथ में लेके जा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं घर, चले। तो गाइस सामने इतने सारे मंकीज दिख रहे हैं, वो भी लंगूर, दिखाता हूँ आपको। हाय गाइस तो गाइस रास्ता देखो कितना ज्यादा प्यारा है, मस्त पतली पतली रोड है और जंगल मस्त एकदम पहाड़। ये मेरी बेटी है,
इससे मिल लीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है यार। क्या होता तुम लोगों का मजेदार था। तो मम्मी पापा वहाँ पे सब्जी ले रहे हैं देखो। तो भी गाइस घर पहुंचते पहुंचते हमको अंधेरा हो गया। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं। पीयूष आज ड्रोन बच गया, लेकिन बहुत मजा आया। पीयूष ने मिस कर दिया। क्योंकि ये समझ नहीं आता, जो अच्छी चीज होती है तो मैं क्यों नहीं होता। आ जाओ लो, सौदा आ गए हैं, सौदा आ गए हैं। तो फाइनली अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ। आज का दिन काफ़ी क्रेजी था, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया, पहाड़ पे गए, वहीं पिकनिक मनाया, वहीं दाल चावल खाया, उसके बाद ड्रोन भी खो गया, उसको लेने के लिए गए, उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया, फिर आते हुए भी काफ़ी मज़ा आया। तो हाँ, आज का दिन काफ़ी मस्त था, क्रेजी था, फैमिली के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड किया, पोपट भी हो गया था, लेकिन ड्रोन मिल गया फाइनली। तो हाँ, तो चलो फिलहाल अब मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली मेरा डिनर भी आ गया, तो चलो करते हैं मस्त डिनर। तो भी गाइस एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई, अब फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो भी गाइस मैंने जस्ट एडिटिंग करते हुए देखा ड्रोन किस तरह से क्रैश हुआ, उसको किसने उठाया और कहाँ रखा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो कि इस तरह से वो खेत में लैंड हुआ था, खेत में क्रैश लैंड हुआ था, क्रैश तो नहीं हुआ जैसे आपको दिख ही रहा होगा था। उसके बाद फिर किसी बंदे ने वो उठाया, उठा के देखो ले जा रहे हैं ना, उसको अपने घर में ले जा रहे हैं, और घर में ले जाने के बाद रख दिया। उसके बाद भी कैमरा ऑन है, देखो उनको पता नहीं कि कैमरा ऑन है। तो हाँ, उन्होंने देखो कितने अच्छे से कैमरा रख दिया है, उन्होंने ड्रोन को छेड़ा तक नहीं है, देखो अच्छे से रख दिया, कोई अगर आएगा तो लेने ले जाएगा। Different about the way we are.